सिकंदर लोदी सुल्तान था, भाग के गया सिकंदर लोदी के पास। कहा महाराज यहाँ एक तांत्रिक रहता है, मुझको बहुत बेवकूफ बना रहा है। अरे देवदत्त लौट कर आया, अपनी माँ से कहा, अरे पता नहीं किस जुलहे का तुम नाम ले रही थी, हमको देखते लगा कांपने धोती होती खुल गई। तीसरी बार ठीक ठीक तो तुम्हारा नाम कबीर है? जी 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 पंडित जी। पंडित देवदत्त कबीर के समय की कहानी है, पता नहीं मिथक भी हो सकती है, पर मैंने कहानी सुनी मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहानी यह है कि पंडित देवदत्त पूरे भारत के मठों में शास्त्रार्थ करके सबको हरा कर बनारस वापस पहुंचा और पहुंचा और अपने अपनी मां से कहा कि देखो ये आइए फ्रैंकवान। मैंने अच्छा पूरे भारत को हरा है? बोला हाँ पूरे भारत को हरा है। सब विद्वान उद्वान सब पैर घुटना पकड़ लिए, रोने लगे कि देवदत्त भैया माफ कर दो, अपने तरफ ऐसे तो कहा था। अरे भैया फलाने बहुत बदमाश है भैया, गर्दन काट ली फिर रतिया पर ऐसे गर्दन पर उछाल उछाल खेलत रहे हमारे आगे सामने, बेहोश हो गए। ये तो हालत है देश के और खासकर उत्तर भारत के। तो देवदत्त की मां ने कहा कि देखो देवदत्त ठीक है तुम हरा दिए पूरे देश के विद्वानों, कोई बात नहीं, यहाँ फिर जुल्हा रहता है कबीर, उसको हरा दो तुम। माने जुल्हा यही है बगल में, यही कबीर चौरा है, वही रहता है बनारस में, तो जाओ देख लो अगर मिल जाए तो उसको हराओ तो। मानो पहुंचा देवदत्त, अब देखना पंडित के लक्षण इस कहानी में दिखाए गए। देवदत्त पहुंचा, पैर फटकते हुए पंडित के घर, कबीर के घर, लगा दरवाजा पीटने, बाहर निकलो ताओ। पंडित जिसका व्यक्तित्व होगा उसमें ताओ बहुत होगा। तो कबीर की बेटी कमाली बाहर निकली, कहा अंकल जी बताइए कबीर कहां है? ताओ में है कबीर कहां है? कहो बाजार गए हैं चद्दर बेचने के लिए। कहा बुलाओ उनको। कहो देवदत्त आए, देखो ताओ ना बैठिए पानी वानी पी लिए तब तक आ जाएगा ना। बुला लो, जब लग लो अपने बाप को बुला लो। तो बेचारी आई बाजार, कबीर से कही कि एक आदमी आया बहुत डिस्टर्ब लग रहा पापा, और ना पानी पी रहा ना बैठ रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, ताव में है। पंडित का पहला लक्षण यही अननेसेसरी था, ऐसे खड़ा ऐसे ऐठा है, मुंह ना जाए कोई घर। अबे तुम्हें मुंह तक लेके बुलावा, अबे कोई मुंह तक ले किसी को घर में बुलाता है? यूपी बिहार में बहुत ही डायलॉग फेमस है, हम भैया मुते ना जाई हो, तुम्हें मुते कौन बुला रहा है? मारेंगे 50 जूता, मुते ना जाई। तो पंडित के अंदर पहली चीज क्या है? ताओ ऐठन। कबीर कहें चलो अच्छा हम आए। आए कबीर, कहें पंडित जी नमस्कार। देखो सरलता है संत की, पंडित जी नमस्कार। हेलो नमस्कार, ठीक ठीक तो तुम्हारा नाम कबीर है? जी 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 पंडित जी। हाँ मैं पंडित देवदत्त और मैंने चारों मठों में शास्त्रार्थ किया और सबको हरा दिया, मैं रैंक वन हूँ आईएएस में। अच्छा अच्छा पंडित जी बहुत अच्छी बात है, मिठाई खिलाओ भाई, ये रैंक वन है। सरलता देखो संत की, सहजता देखो। अरे नहीं मिठाई खाने आए तो अगर मिठाई खाने आए तुम शास्त्रार्थ करने आए? कबीर कहीं महाराज हमसे, हम तो जुलाहा है महाराज, कभी स्कूल नहीं गए। पंडित की दूसरी कमी, पंडित की पहली कमी, पंडित की पहली कमी क्या है? ऐठन, जाति से कोई लेना देना नहीं। दूसरी कमी क्या है? बेहोशी। महाराज हम तो जुल्हा है, हमें कहां पढ़ने का अधिकार है महाराज, हम पढ़े लिखे ही नहीं है। तब देवदत्त यार तो पढ़ा लिखा नहीं है महाराज, आप हमारी औकात है महाराज, हम आपसे बहस करेंगे महाराज। अरे देवदत्त लौट कर आया, अपनी मां से कहा अरे पता नहीं किस जुल्हे का तुम नाम ले रही थी, हमको देखते लगा कांपने धोती होती खुल गई। तीसरी बात अहम अहम, अरे स्व प्रशंसा, सॉरी ये पंडित की तीसरी कमी है, स्व प्रशंसा। ना उन जानी थे फलाने या यूपी बिहार में कोई मिलो तुरंत अपन पर्चे बतावे लागत। अरे वहां जो है वहां के डीजीपी जो है वो हमारे चाचा लगते हैं। अच्छा ठीक, हमसे कई बार लोग मिलने आते, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर, वो विधायक जी हैं, मामा हैं हमारे। कभी कभी लगता है बंद कर ली कमरा में, बहुत मारी 20-25 लाठी खींच के। तो आया अपनी मां से कहा कि अरे पता नहीं इसके पास भेज देती हो, तो लगा कांपने धोती होते खुल गए उसकी। उसकी मां ने कहा इसे थोड़ी मानेंगे, लिखा के लाओ। फिर आया देवदत्त, फिर पैर और पटका, कहा लिख के दो गहरी बेहोशी। सिर्फ बेहोशी नहीं, गहरी गहरी बेहोशी, शायद लिख के दो कि तुमने हमसे हारी मानी। कहा महाराज गजब बात कर रहे हैं महाराज, जब पढ़े नहीं तो लिखेंगे कहां से? तो कहा उसने, कबीरदास जी ने कहा महाराज आप लिख लो, आप लिख लो महाराज,
हाँ ये ठीक है, हम लिख लेते हैं, तुम दस्तखत करोगे। महाराज कहाँ दस्तखत करेंगे, अंगूठा लगा देंगे महाराज। हाँ ठीक है, अंगूठा लगा दो। ये चार कमियां होती हैं पंडित के व्यक्तित्व में। पहली कमी ऐठन, दूसरी बेहोशी, ये कई डारे नो कई डारे ऐसा कई डारे इन्ने फाड़ारे इन्ने मारे गए ना, डीजीपीएस मिला इसे कहां पत रहा। अरे बहुत मारी डीजीपी, कांस्टेबल तो बहुत मार मारी, डीजीपी तुम्हें देख के कांपी, प्रदेश चलाता है वो समझे। तो उसने लिखा कि मैं कबीर देवदत्त से हार गया। कबीरदास जी ने अंगूठा लगा लाया, अपनी मां को दिखाया, बता नहीं किसकी बात तुम कर रहे थे, देखो उसमें लिखा था मैं देवदत्त कबीर से हार गया। उसकी मां कही मैं तो जानती थी तुम हार जाओगे। अरे कहा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। अरे गए जाओ फिर से लिखा लो। फिर कबीर ने कहा 10-12 लिख लो हम दे देते हैं। तो 10 पन्ने में लिखा कि मैं कबीर देवदत्त से हार गया। 10 पन्ने में यही लिखा हुआ था कि मैं देवदत्त कबीर से हार गया। सिकंदर लोदी सुल्तान था, भाग के गया सिकंदर लोदी के पास, कहा महाराज यहां एक तांत्रिक रहता है, मुझको बहुत बेवकूफ बना रहा है। सिकंदर लोदी ने अच्छा बुलाओ, तो कबीर दास जी को बुलाया गया दरबार में। कहा महाराज जी मुझको बहुत बेवकूफ बनाता है। कहीं बा उसने कहा क्या हुआ। कहा महाराज जी मैं ये लिख के देता है मुझको, मैं इससे कहा कि तुम लिखो कि तुम हार गए, मेरा नाम लिख देता कि मैं हार गया हूं। कबीर दास जी महाराज झूठ बोल रहे, महाराज हम जुलाहा है, महाराज हमको कहां लिखना था, महाराज यही लिखते हैं। सिकंदर लोदी ने कहा हाँ यार ये तो बेचारे जुलाहा है, इनको तो बेचारे को क्या लिखना आता है, कौन लिखता है। कहे हुजूर हम ही लिखते हैं। फिर से लिख, फिर लिखा देवदत्त ने कि मैं देवदत्त कबीर से हार गया। सिकंदर लोदी ने खुद नशे में रहते हो, भांग खाओ, मारो उसको 50 हंटर खींचे। पांडित्य जाति से कोई लेना देना नहीं है, जाओ यूनिवर्सिटियों में बहुत जाति के प्रोफेसर हैं। हमारे एक प्रोफेसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, भगवान उनको लंबी उम्र दे, अब तो 75-80 साल के हो गए हैं। तो हम लोग की तरफ देखे कहें निकम्मे पफंगे, और जिसको सबसे ज्यादा मानते थे, जो उनके लिए दूध घी मटर पनीर वनीर लेके आता था, वो पान की दुकान कर रहा है इलाहाबाद में। भगवान की मर्जी होगी,